बलिया जिले का प्रसिद्ध जो सत्तू की लस्सी है बलिया में खास तौर पे इसके बहुत डिमांड है और दूर दराज से लोग आते हैं इसका सेवन करते हैं। सबसे मजे की बात है कि जो भी लस्सी तैयार की जाती है शुद्ध है, इसमें शुद्धता पाई जाती है। प्याज लहसुन आदि अदरक नींबू पुदीना से निर्मित ये लस्सी चने की लस्सी जो तैयार की जाती है। क्या नाम है आपका? विजय शंकर। कब से है इस धंधे में आप? 30 बरस हो गया। 30 बरस? 30 बरस हो गया। अच्छा, कैसे सत्तू तैयार करते हैं, लस्सी इसकी कैसे तैयार होती है? सत्तू चना जो भूज 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 कर और उसको दाल निकाल कर पिसवाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा से सफाई। क्या क्या चने के अलावा और भी कुछ मिक्स रहता है इसमें? सिर्फ चना रहता है, पेट के लिए बहुत लाभदायक है। पीने से लाज भी सही रहता है, पेट भी सही रहता है और गैस वैस भी नहीं बनता है। अच्छा अच्छा। और इससे प्यास भी ठीक हो जाता है, कहती हूँ जो लाभदायक है लाद के लिए बहुत। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? अरे बहुत दूर दूर से, दिल्ली से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, बनारस से आते हैं। अच्छा, जो बलिया के हैं वो लोग यहाँ आते हैं? तो हाँ, बलिया में जब आ जाते हैं, लखनऊ से भी आते हैं, जब आते हैं तो जरूर आते हैं दुकान पर। पैक भी होता है क्या लस्सी? हाँ, लाइक लस्सी पैक भी होता है, पार्सल भी होता है, तो लोग ले जाते हैं। ले जाते हैं। दोस्तों, अभी आपने इनको सुना कि बलिया की जो लस्सी है, मतलब कह लिए तो भारत में, उत्तर प्रदेश में कह लें तो उत्तर प्रदेश से बाहर की बात कर लें, दिल्ली वगैरह में भी इनकी लस्सी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। इनके कहने का मतलब ये है कि जो बलिया से जुड़े लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो दिल्ली बम्बई कलकत्ता महाराष्ट्र जहाँ भी वो काम करते हैं, अपने गाँव अपने शहर में आते हैं, एक बार इनके यहाँ लस्सी ज़रूर पीते हैं। आपको फिर आपको बता देना चाहते हैं कि बलिया की जैसे बाटी चोखा प्रसिद्ध है, सेम उसी तरीके से यहाँ की सतुई की लस्सी जो है बड़ी मानी जाती है बलिया के लिए। और लोग शाम के वक्त कह लें या दोपहर के वक्त बाटी चोखा और सतुई की लस्सी काफ़ी पसंद करते हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल।